जैसा कि आपको विदित है कि पूरा प्रदेश अभी बारिश के मानसून सीजन की चपेट में आ रखा है और प्रशासन ने इसकी काफ़ी इंतज़ाम किए गए। उसी इंतज़ाम के तहत प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने ADS के थ्रू और कमिश्नर साहब नगर निगम ने नगर निगम के थ्रू एक आदेश पारित कर रखा है कि किसी प्रकार की शहर में कोई खुदाई या इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए जिससे कि अगर अत्यधिक वर्षा हो जाए तो उससे कोई जनहानि या माल हानि की कमी हो जाए। लेकिन कुछ कंपनियां और अजमेर में विशेष तौर पर दो तीन कंपनियां, जिसमें एक तो IGL जो कि गैस पाइपलाइन डाल रही है, दूसरी रिलायंस कम्युनिकेशन वाले जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर वाले ये जो डाल रहे हैं, ये लोगों ने कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को मतलब इस तरीके से अपने मतलब एक तरह से मैं शब्द उचित नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी जेब में डालकर ये घूम रहे हैं क्योंकि उनके आदेशों की जिस प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पूरा प्रदेश अभी बारिश के मानसून सीजन की चपेट में आ रखा है और प्रशासन ने इसकी काफ़ी इंतज़ाम किए गए। उसी इंतज़ाम के तहत प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने ADS के थ्रू और कमिश्नर साहब नगर निगम ने नगर निगम के थ्रू एक आदेश पारित कर रखा है कि किसी प्रकार की शहर में कोई खुदाई या इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए जिससे कि अगर अत्यधिक वर्षा हो जाए तो उससे कोई जनहानि या माल हानि की कमी हो जाए। लेकिन कुछ कंपनियां और अजमेर में विशेष तौर पर दो तीन कंपनियां, जिसमें एक तो IGL जो कि गैस पाइपलाइन डाल रही है, दूसरी रिलायंस कम्युनिकेशन वाले जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर वाले ये जो डाल रहे हैं, ये लोगों ने कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को मतलब इस तरीके से अपने मतलब एक तरह से मैं शब्द उचित नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी जेब में डालकर ये घूम रहे हैं क्योंकि उनके आदेशों की जिस प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं। अभी आदर्श नगर में मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया कि आदर्श नगर में किस प्रकार से IGL वाले काम कर रहे हैं और खोद रहे हैं बिना किसी सेफ्टी गेयर के। उसी प्रकार से रिलायंस वाले वार्ड नंबर 38 में अभी बारिश के दिनों में बिजली का काम कर सिर्फ इसलिए टावर लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनका काम जल्दी से जल्दी निमट जाए और ये जो अभी जो प्रशासन जो कि दूसरी जगह व्यस्त है वह इनके नाम ना आगे इस प्रकार से अवैध के काम कर रहे हैं, जिसका मैं आपके माध्यम से प्रशासन को और उच्च अधिकारियों की तरफ अपनी इस बात को पहुँचाना। देखिए निगम अधिकारी, मैं वही बात बता रहा हूँ ना, अभी अधिकारियों का दोष नहीं है, ये अधिकारी दूसरी ओर व्यस्त है और उनकी व्यस्तता का नाजायज फायदा उठाकर ये जो मल्टी लेवल कंपनियां हैं जो प्रशासन को अपने उच्च अधिकारियों के, आप इनके अगर PR देखेंगे तो कोई रिटायर्ड IAS इनका PR, रिलायंस वालों का PRO बढ़ा हुआ है, कोई बड़ा पुलिस अधिकारी इनका PRO बढ़ा हुआ है, वो अपने तरीके से मैनेज करते हैं अधिकारियों को और ये इस प्रकार से अवैध काम कर रहे हैं और जिसका मैंने साक्षात वीडियो आपको दिखाया है। और वार्ड नंबर 38 में अभी भी रिलायंस कम्युनिकेशन का एक वार्ड नाले के ऊपर ज़मीन पर बन रहा है और नाले पर बनने के बाद शिकायतें करने के बाद उन्होंने तहसीलदार को और हमारे नगर निगम के कुछ अधिकारियों को मैनेज कर रखा है।